अभी देखिए दोस्तों, शाम के 4 बजने वाले हैं और इसका नींद अभी तक नहीं खुला है, तो इसके साथ एक प्रैंक करेंगे। यहाँ पे पानी रखे हैं और इसके पैंट में गिरा देते हैं और इसको जगाएंगे, बोलेंगे पैंट में पेशाब कर दिया ये। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी हम लोग शेरघाटी आ गए हैं और ज़्यादा दूर है नहीं अभी यहाँ से बॉर्डर। और क्या है, रात में चले हम लोग 3 बजे तक, तो फिर सो गए थे, तो उधर नहाना धोना हुआ नहीं था, पानी था ही, चापाकल था ही हर जगह पर, लेकिन हम लोगों को मन नहीं भरता उससे ना, तो इसीलिए यहाँ पर हरियाणा ढाबा है, तो यहीं पर रुके नहा धोवा फ्रेश हो गए हैं। अब चलते हैं खाना खाने के लिए, खाना खा के सीधा निकलेंगे। अभी रामगढ़ जाना हम लोग को, रामगढ़ में रुकना है। अपना साथ में जो गाड़ी था वो घर पर रुक गया अपना, तो वो भी अपना काम निपट के वो आएगा, तो फिर हम लोग एक साथ निकलेंगे। दोस्तों अभी हम लोग खाना खाने आ गए हैं और देख सकते हैं कि खाना कितना अच्छा लगा है, दही वगैरह सब चीज़ है इसमें, घी लगा के रोटी। और देखिए रोहित का भी खाना लगा हुआ, लेकिन अभी आया नहीं है, रात में थोड़ा जगा है तो वो काफ़ी सो रहा है, जबरदस्ती उठा कर लाना पड़ता है उसको, तो गया होटल वाला ही गया लाने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, समय तो हो ही गया है खाना खाने का, तो खाना खा ही ले रहे हम, नहा धोवा लिए, फ्रेश हो गए, क्योंकि धूप ज़्यादा हो जाएगा इसके लिए, अगर हम सोचे जल्दी खाना खा के निकलते फिर यहाँ से। ये देखिए कितना बढ़िया दाल भी है, दही देखिए जितना मर्जी ले सकते हैं, पूरा भरा हुआ है, जितना मर्जी खा सकते हैं, फिक्स रेट है यहाँ पे, पेट भर के खाइए जितना खाना है। ये दोस्तों सभी सब्जी, ये चना, ये दाल, ये गोभी मिक्स है, मिक्स वेजिटेबल, बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है एकदम अच्छा। और घी के साथ रोटी का साइज भी देखिए कितना बड़ा बड़ा रोटी है। ये देखिए अभी आया है, इसका नींदे पूरा नहीं हो रहा है। हम लोग नहा धोवा के सब आ गए खाने के लिए, अरे नहा के चल गया गाड़ी में सोने के लिए, सो गया था ना, इसलिए कंट्रोल किया करो नींद को। ड्राइवरी लाइन में यही चीज़ होता है कि नींद को ही कंट्रोल करना है, जितना नींद को कंट्रोल करोगे उतना ही अच्छा रहेगा, लाइफ भी ज़्यादा ही रहेगा। देखिए दोस्तों अभी रात को 3 बजे सोए थे, तो यही चलते नींद आ रहा था, एक थोड़ा अपनी आँख लग गया तो वही सो गए थे, अभी उठे हैं, क्या कि काफ़ी रात हो गया था, कल 3 बज गया था। दोस्तों खाना तो हो गया, सेठ जी का खाना बहुत ही अच्छा लगा, सही बता रहा है, आपका जो रोटी है ना वो बहुत अच्छा लगा, आपका सब्जी भी सब था, दही भी बहुत इतना शानदार लगा, सारा चीज़ खा खत्म कर दिया हम लोग, घी साथ में, घी रोटी साथ जो घी था ना वो भी बहुत अच्छा लगा। कितना हो गया आपका बिल? 330 रुपये, 3 आदमी का, फ़ोनपे है ना। दोस्तों खाना ना खाया तो निकल गए थे, लेकिन अभी हम लोग झारखंड में हैं, रास्ता जो है घाटी पड़ता थोड़ा सा, एगो तो वो क्या चीज़ है, एक तरफ तो रोड बंद है, टेलर पलटी किया हुआ है, और दोनों गाड़ी मतलब एक ही तरफ से आ रहा है, तो पता नहीं लग रहा है वो आगे से कोई ओवरटेक किया है, इधर तो एक गाड़ी ब्रेक डाउन है और उस रोड पे गाड़ी पलटी किया हुआ है, तभी हमारा लाइन रुक गया, तो हमारा लाइन रुकने का मतलब था नहीं, अजानबे करते हैं। ये सब जगह पर गर्मी भी हालत ख़राब हो जाता है, और सब ड्राइवर सब की हालत ख़राब है, गर्मी से हालत ख़राब हो जा रहा है। दोस्तों अभी हम लोग बरी पहुंचने वाला है और जाम काफ़ी देर रह गया वहाँ, करीब कम से कम 2 घंटा जाम लग गया, नहीं तो अभी तक हम हजारीबाग पहुंच जाते हैं। अभी 3 बज गया है, यही कि हल्का माल है तो गर्मी में चला ले रहे गाड़ी, अगर बड़ा गाड़ी रहता तो गर्मी में चलाना बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि गाड़ी भी गर्म होता, टायर भी गर्म होता, और ये सब हल्का है, इसको फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों हमारा गाड़ी लाइन में ऐसा है कि नींद को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ी बात है, जितना नींद को कंट्रोल करोगे उतना ही अच्छा रहता है। तो जैसे हम लोग इधर रात में गाड़ी चलाए वहाँ से, फिर भी 3 बजे तो सो गए थे, तो वहाँ से हम लोग 6 बजे उठे हैं, उतना देर में नींद पूरा हो जाता है, लेकिन देखिए मेरा रोहित का उसका भी नींद पूरा नहीं हुआ है, अभी खाना खाने भी उठाए थे ज़बरदस्ती, उठा कर खाना खिलाए फिर गाड़ी लेके चले, तो फिर सो गया है, अभी शाम के 3 बज गया है। दोस्तों हम लोग का ड्राइवरी जो सीखे हम लोग, मतलब उस टाइप का नहीं सीख पाएगा लड़का, हमारे जो ग्रुप में का लड़का लोग है, हम बता दे रहे हैं कि हम लोगों का नाश्ता हम लोग का नसीब में नहीं था, सिर्फ चाय, सुबह चाय, दोपहर में खाना और रात में खाना, लेकिन हम वैसा आज भी वैसा ड्राइवर लोग है जो नाश्ता का नामो निशान नहीं रखता, लेकिन कुछ ड्राइवर, सबको नहीं बोलेंगे हम, और लेकिन हमारा है कि सुबह जैसे समोसा कचौड़ी कुछ ना कुछ नाश्ता करते ही हम लोग, तो यही है
कि मतलब बहुत सा ड्राइवर में कोई मार खा के ड्राइवर बना, कोई ऐसे ही बन गया ड्राइवर, जिसका ज़्यादा दिमाग तेज चला वो गाड़ी में घूमते घूमते ड्राइवर बन गया। अभी देखिए दोस्तों, शाम के 4 बजने वाले हैं और इसका नींद अभी तक नहीं खुला है, तो इसके साथ एक प्रैंक करेंगे। यहाँ पे पानी रखे हैं और इसके पैंट में गिरा देते हैं और इसको जगाएंगे, बोलेंगे पैंट में पेशाब कर दिया ये। छी छी, पैंट में कर दिया, हट, पेशाब हो गया रे पैंट में। हाँ, क्या कर दिया रे, पेशाब कर दिया पैंट में। आप भी जाएंगे दोस्तों, इसका नींद खुला तब भी इसको पता नहीं चल रहा है कि पैंट में पेशाब हो गया। दोस्तों अभी इतना करने के बाद भी फिर सो गया, देखिए जाग रहा है अभी, मतलब इसका नींद अभी तक पूरा नहीं हो रहा, पूरा सुबह से लेके शाम होने वाला अभी तक मतलब इसको नींद ही आ रहा है। कितना बज गया बता, नींद में पेशाब हो गया क्या पैंट में तेरा? है नहीं उड़ रहा है दोस्तों, छोड़ दीजिए इसको अब। दोस्तों अभी शाम के 5 बज चुके हैं और हम लोग अभी जाके रामगढ़ पहुंच गए और पापा तो अभी घर चले गए हैं, तो हम यहाँ पे अभी रुके हुए थे। इसको बोल रहे जाने तो ये तो नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं? ये बहुत डरपोक है दोस्तों, और इतना देर सोया, नींद खुला कि अभी और सोना है। लोग जा तब और 2-3 घंटा सो लेंगे। कितना सोया, नींद आएगा? अभी आएगा, आएगा, जरूरी आएगा, इमरजेंसी, कल 3 बजे तक जगे हुए हैं। अरे इधर रात दिन भर पूरा सो गया। तो दोस्तों अभी घर जा रहे हैं, घर में थोड़ा देर आराम करेंगे, उसके बाद बाइक लेके आएंगे और इसको ले जाएंगे घुमाने के लिए। इधर पूरा घूमने तो जा सकता है ना? हाँ, घूमने जाएगा दोस्तों, घूमने के लिए। ये बहुत शर्माता है, बहुत ज़्यादा है, चाहे इसको जामतड़ा में घुमाए या यहाँ घुमाए, बहुत शर्माता है। बाइक लेके अभी आते हैं दोस्तों, इसको पूरा घुमाएंगे अच्छे से रामगढ़। दोस्तों अभी घर तो आ गए हैं और गाड़ी तो अपना पार्किंग जहाँ होटल है वहीं पर लगा दिए हैं, तो अभी हम रुके हुए हैं, देखते हैं अभी वो साथ में जो गाड़ी है वो गाड़ी का भी आने का इंतजार करेंगे। तो दोस्तों अगर वो कल आ जाता है तब तो हम भी निकल जाएंगे कल शाम तक, अगर नहीं आता है तो फिर एक दिन और रुकना पड़ जाएगा हमको। ऐसे तो अपना भी काम है, वो भी आप बोल रहे थे काम निपट के आएंगे, तो उसी के इंतजार कर रहे हैं, साथ में ही जाना है हम लोगों को, क्योंकि वो पुराना ड्राइवर है, उसको सब जगह मालूम है कहाँ खाली होता है, कहाँ लोड करना है। तो जब तक साथ में है, फिर अलग अलग होने के बाद तो फिर अपना ऊपर है ही है। तो अपना जो रूट है जाने का कटक, वो इसी रूट से ही जाना है, जैसे बरी, रामगढ़, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, टाटा होते हुए अपना बहरा घोड़ा होते हुए उधर से ही जाना है। पहले हम सोचे थे कि शायद उसे राहुल किला होकर जाना हो, तो नहीं तो ड्राइवर साहब बोले कि नहीं इधर से नज़दीक पड़ेगा तो इधर से ही जाना है, तो इसीलिए उनके साथ साथ में चलना है। तो ठीक है दोस्तों, उनका इंतजार करते हैं अभी। दोस्तों आप लोगों का कमेंट देख रहे थे आज, तो बता रहे थे कि आप लोग गाना चेंज कर दिए हैं, तो गाना चेंज हुआ है, क्यों हुआ, क्या? तो यही लोग मास्टर माइंड है, बताओ क्या हुआ है। दोस्तों हम लोग सॉन्ग चेंज करने का कारण था कि हम लोग जितना भी वीडियो था सब में कॉपीराइट क्लेम लग रहा था। शुरू से हम लोग वही नॉन कॉपीराइट म्यूजिक यूज़ कर रहे थे, लेकिन अचानक से हम लोग देखने लगे कि सभी वीडियो में कॉपीराइट लगने लगा, तो फिर उसका हम लोग डिटेल चेक किए यूट्यूब स्टूडियो में जाके, तो पता चला कि गाना कारण कॉपीराइट लग रहा, तो इसलिए हम लोग सब गाना चेंज करने लगे। यूट्यूब लाइब्रेरी से अब गाना यूज़ करते हैं हम लोग। और दोस्तों अगर आप लोग में से कोई नो कॉपीराइट म्यूज़िक यूज़ करते हैं यूट्यूब से, तो वो मत यूज़ कीजिए, क्योंकि आपको कॉपीराइट क्लेम लग रहा है। अगर आपको ये म्यूज़िक यूज़ करना है तो यूट्यूब लाइब्रेरी है, उसमें से यूज़ कर लीजिए। तो दोस्तों ये सब जानकारी इस शुभम को मालूम था, तो हम जब घर आए तो हमको भी पता चला, तो हम कहे चलो शुभम ही अच्छी तरह से बता देगा, हम तो पूरा बता नहीं पाएंगे, तो ठीक है कॉपीराइट वाला। तो दोस्तों आप लोग का जो कमेंट आया था उसका जवाब मिल गया, कॉपीराइट क्यों लग रहा था। दोस्तों मेरा खाना निकल गया है, आज रात का खाना देखिए यही है, ये तड़का है और ये आलू चना का है। दोस्तों भी खाना खाते हैं। और दोस्तों आप लोग एक और चीज़ बताना था कि अभी हम लोग ब्लॉग बनाने के लिए ये वाला लाइट लिए थे, ये जो लाइट ये डिजिटेक्स का आता है, तो इसमें काफ़ी अच्छा, हम ब्लॉग बनाने टाइम अंधेरा जैसे देखिए इसका रोशनी कितना अच्छा है, ये देखिए इसका रोशनी दोस्तों मतलब बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा पावर हो जा रहा है। और इसमें क्या कि आप लोग देखिए, इसे ये हो गया थोड़ा येलो लाइट और इसमें व्हाइट लाइट भी आप कर सकते हैं, और इसको पावर कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं।
तो ये दोस्तों अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी हम लोग ये लाइट यूज कर रहे हैं, गाड़ी के अंदर जो केबिन हमारा दिया हुआ है उसमें जो लाइट है वो थोड़ा अच्छा नहीं जलता है, तो इसको अभी यूज कर रहे हैं। ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे, दो तीन ब्लॉग अभी ये लाइट यूज करके रात में बनाए थे, तो काफी अच्छा उसमें रिजल्ट आया था। तो डिजिटेक्स का लाइट आप लोग का एक कमेंट आता था कि आप लोग अगर जो भी कुछ यूज करते हैं, जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो थोड़ा बता दिया कीजिएगा, तो इसलिए बता दे रहे। तो ये दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों में मिल जाएगा, तो मेरे पास आ गया था बहुत जल्दी, दो तीन दिन लगा था फिर आ ही गया था। तो ये देख सकते हैं लाइट काफी अच्छा लग रहा है हमको यूज करने में, तो पापा भी ये बता सकते हैं एक ज्यादा एलईडी। और हाँ, इसमें टोटल कितना है, 32 वाट का, मतलब 32 वाट का पूरा है ये सेटअप, तो काफी अच्छा इसमें लाइट भी आ जाता है। और इसमें एक और अच्छा लगा कि बैटरी आप अलग से निकाल के इसको चार्ज में भी लगा सकते हैं, लगा के साइड में कर दीजिए, ये 2 घंटा के आसपास लगता है पूरा फुल चार्ज होने में। ये लाइट आपको चालू करके दिखा देते हैं। हाँ, अभी देखिए बैकग्राउंड में कितना फर्क आ रहा है दोस्तों। ये लाइट बहुत अच्छा लगा हमको, और क्या ना कि हम लोग गाड़ी में जो केबिन लाइट थोड़ा कमजोर है, तो ये बहुत ही अच्छा लगा हमको। और ये हमारा एक हमारे थोड़ा काम में आ जा रहा है, जो खाना बनाते हैं रात में उसमें भी यूज हो जा रहा है। अगर बाहर खाना बनाते हैं तो वहाँ पर रख के हम बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा हो गया मेरे लिए भी ये, कि गर्मी के समय है बाहर बनाते हैं तो बाहर में कहीं रख दिए, प्लग टांगने की जगह बना हुआ है, लगा के बना लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम इंतजार करते हैं अपना उस साथी का, ड्राइवर का। इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।